हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पालक के क्रंची पकौड़े। बहुत ही टेस्टी लगते हैं चाय के साथ और इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। तो हम बना रहे हैं पालक के पकौड़े, जो शादी ब्याह में खाते हैं, बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगते हैं। वो वाले पकौड़े हम बड़े आसानी से घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार वो हमारे घर पर अच्छे से बन नहीं पाते हैं या क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो हम नई ट्रिक से बता रहे हैं कि कैसे वो क्रिस्पी होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बाउल यानी लगभग 2 कटोरी पालक लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, साफ कर लिया और उसको रफली चॉप कर लिया। इस तरीके से कोई बारीक नहीं काटना है हमें, रफली चॉप कर लेना है। तो चॉप कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। लगभग हवी हम फिलहाल डाल रहे हैं, हाफ बाउल इसमें बेसन डाल रहे हैं। फिर हम इसमें अपनी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बेसन ऐड कर देंगे। तो ये हमने हाफ बाउल डाला है बेसन। और अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये मैंने मिर्च ऐड कर दी है इसमें हाफ स्पून। डाले हम इसमें टर्मरिक पाउडर, बहुत ही अच्छा कलर आता है। साथ में डालेंगे हम इसमें हाफ स्पून डाले हम अजवाइन, क्रश करके डालेंगे इसके अंदर। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। यहाँ से दरदर अगर आपके पास धनिया है, धनिया पाउडर, तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे लगभग हाफ स्पून अमचूर पाउडर। चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लेमन जूस भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और अब हम डालेंगे इसमें नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा मसल के हमें इसको मिक्स करना है। अभी हम इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे, ऐसे ही मिक्स करना है। और अगर हमें नीड होगी तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे। तो अभी हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा बेसन हम इसमें और डालने हैं। लगभग 2 से 3 चम्मच हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। और हम इसमें डालेंगे लगभग 2 स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से वापस हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है सभी चीजें। ज्यादा हमें इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं करना है। तो इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, हम थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और इसको कढ़ाई में डालेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा हमें बॉल बनाना है, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाएंगे। और अच्छे खासे ऑयल गरम करेंगे और उस पर हम इस तरीके से डाल देंगे। जितना भी हमारा आएगा एक बैच में उतना डालेंगे, और जो हमारा दूसरे बैच में आएगा उसको दोबारा डाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसको डालते हैं और अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक ट्राई करेंगे। तो एक तरफ से सिक गया है और अब हम इसको पलट लेते हैं। और इसी तरीके से हम इसको अलट पलट के क्रिस्पी होने तक ट्राई करेंगे। और जो हमारा बैटर बचा है उससे भी हम इस तरीके से ही अपने पकौड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा एक क्रिस्पी पकौड़े तैयार हो गए हैं और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पालक पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी है, क्रंची, और ग्रीन चटनी से हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।